जय 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 तेरी, जय 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 प्रेसिडेंट साहेब तेरी, जय जय जय। एक अंकार सतगुरु, एक प्रसाद सच होए, वाहिगुरु जी की फतेह। जगन विनाशन सोए, वाहिगुरु 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 जी की फतेह। विघ्न विनाशन सोए, वाहिगुरु जी का खालसा। दोहरा कीर्तन दिवस जब रहत बिताए, सेवा कर की प्रीत बधाए। ज्वाला प्रसन्न गयो जो संगा, सो आयो कुन सहत उमंगा। गुरु स्वरूप सार संगत, जागदी जोत, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी विच साहिब ने कहा सी, मेरे दीदार नंद लाल, प्यारे नंद लाल आखते सन, तीन रूपां विच हुंदे हन। तीन रूप मोरे हैं, सुनो नंद, नंद लाल चित ला के सुनना, मेरे तीन तरह दर्शन हुंदे हैं। तीन रूप मोरे, खुशी है कि आप देश सिटी विच शायद खालसा जी भी आए हैं, दर्शन नहीं हुए, विचार हुई, खुशी हुई। कई होर रहने वाले रहतवान प्यारियां दे दर्शन हुए, कमाई वालियां दा मेल होया, मन प्रसन्न होया। कई बार आपां कहा है कि बल्ब फ्यूज हो जाए वो लाइट नहीं दिंदा, फिर बल्ब तो हुंदा है, देर इज नो डाउट कि बल्ब है, पर क्योंकि फ्यूज है वो प्रकाश चानन नहीं दिंदा। जगया होया दीवा कईयां नूं होर जगा दिंदा, बुझे होए दीवे लखें होण पर वो दूसरा दीवा नहीं जगा सकते। आओ आरंभ करिए। आरंभ विच कोई बहुता टाइम बहुता समा ना लाइए, मैनू माफ कर देना।
ये कथा का एक सब्जेक्ट या नेम असी तो चलाते ही रहते हाँ, पर इत्थे संगतां विच इसनू प्रवान किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है या नहीं आई डोंट नो, पर फिर भी रेपीटेशन अच्छी नहीं है कि आप दे दर्शनां दा आप दे दर्शनां लई जागदी जोत गुरु जी दी हजूरी लई एक असा सोचा इउं कर लईए जिसनूं असी साधना कहिंदिआं लाइट म्यूजिक वो चल नहीं सकता, उदे नाल टीम चाहिदी है, तपले वाला ट्रेंड चाहिदा है, होर भी नाल प्यारे चाहिदे, पर मेरे प्रति जद मस्तु आने कुछ चिर अखर पढ़न का अवसर मिलिया महाराज जी दे संतत्र सिंह जी दे थोड़े ही दर्शन होए, उन्हां दे भरोसाए महात्मा ने कहा तू तो कथा करया कर, महात्मा का वचन हो गया 13 वरे की उम्र विच कथा गुरु ग्रंथ साहिब जी इस वेले इतिहास दी आरंभ हो गई। असा ये योग समझा कि हुण फिर संगतां दे अगर साधना नहीं तो इस जुगत नाल इस ढंग नाल यहो एक राह अपनाइए संगतां दे दर्शन करिए धूड़ी चरण धूड़ लईए। महाराज ने कहा संगत च मेरा हां, मैं कह रहा सी कि 3 रूप हन, गुरु गोबिंद सिंह कहंदे एक दा एक रूप निर्गुण है जो विजिबल नहीं है बाई दीज आईज, एक सरगुण है उन्हां क्या ओ खालसा है, मेरी फिजिकल फॉर्म खालसा है। स्पष्ट कहा कि हुण तुसां कलगी वल नहीं वेखना, घोड़े वल नहीं वेखना, ठीक है कलगी भी आई रबाब भी आई, पहला रबाब आ गई शब्द आ गया, श्री साहब आ गई अकाल तख्त ते दो तेगां वाला गुरु भी आ बैठा, 5 प्याले 5 पीर छठम पीर बैठा गुरपारी, महापुरुष दे वाखन भाई गुरदास, अर्जन काया पलट के क्योंकि बड़ी कंट्रोवर्सी चल पी, कई थाई हुन भी चल दी है, जो मैं नित बेनती करदा हां कि ना गुरुद्वारियां नूं वंडो भाई,
डिटेल च नहीं जाना, सने सने जिन्हों गुरमता कहते रल के बैठ के होए कत्तर मिलो मेरे भाई। गाइडलाइन गुरु सानू दे गए, कोई गल करनी है चर्चा है कुछ है कठे हो जाओ पहला, फिर दुविधा दूर करो। दो ना बनाओ, दुविधा का भाव है कि वी आर नॉट सिंगल माइंडेड 1.1। दो पासे एक रख लो, गुरमता कर लो, नहीं रिजल्ट अच्छा नहीं है, परिणाम अच्छा नहीं है। उन्होंने आख्या फिर हुन मेरा निवास खालसे विच है, होर था ना मैनू लभना कि मैं उत्थे हां उधर हां दूर हां नेड़े हां। खालसे में हम करो निवास फॉर एवर सदा ले, मेरे दर्शन मेरा दीदार जदों भुख जागे प्यास जागे गुरु गोविंद सिंह जी दे दर्शन करने हन तां दीदार खालसे दा करना। तीसरा रूप मेरा गुरु ग्रंथ जिस विच सदा लई जिमें मैं क्या सी बाबा त्र सिंह आखदे सन बारंबार कि उदों सिख दी सिखी पूरी हो जांदी है, परफेक्ट हो जांदी है, कंप्लीट हो जांदी है। जदों उन्हों दसा गुरुआं दे दर्शन गुरु ग्रंथ साहब विच होण लग जा उसदा इतना फेथ उसदा इतना विश्वास सत विश्वास तत् ज्ञान सुखमनी साहब च कहिंदे जिस दे हिरदे च सत सच्चा विश्वास आ जांदा है। आरंभ करिए क्योंकि कथा चलती है नदी वांग। नदी कदी टेढ़ी कदी इधर कदी उधर सानू दिखती है कि उहदी डायरेक्शन इधर चेंज हो गई कदी इधर हो गई, पर पानी विच कोई चेंज नहीं है। पानी नदी विच उसे तरह ही वगदा है, जल दा जेड़ा प्रवाह है वेग है, देर इज नो डिफरेंस, उत्थे कोई फर्क नहीं। पानी पानी उसे तरह ही चलदा। तां तीसरा रूप गुरु ग्रंथ कई बार फिर क्या गुरु जी कहते मेरे अकाल पुरख दे दर्शन किथे हन विच संगत हर पर्व वसै। कि होर तो एवें भटकना कल्पना ही है मन दी, जो मिटदी नहीं है दर्शन फिर अकाल पुरख दे संगत विच करने हैं। ये भी एक विश्वास है, इसलिए आप दे दर्शन विच संगत विच वासा
संगत च वासा है प्रभु दा काल पुरख दा। एक उपाव बना लिया साधन कथा द्वारे आप दे दर्शन गुरु जी दे दर्शन। अमृत वेले सी शब्द दी विचार गुरु ग्रंथ साहब जी दी कथा। इस वेले एक कथा जो दो कुछ समय तो आप हाजरी परदे आ रहे हो इनू नानक प्रकाश कहंदे। प्रकाश चानन जदों दरगे चों चले जिमें कथा आई है विचार आए हैं। अकाल पुरख ने कहा जाओ, गुरु जी ने पहले जामे च इथे आके कोई गुरु नहीं बनाया। अजकल बहुत लोग दावा कर दें मैं गुरु हां, बिना गुरु ग्रंथ साहब जी तो अपने विश्वास च गुरु नहीं। ऐसे ही विश्वास होना चाहिए। दसा गुरुआ की जोत गुरु ग्रंथ साहब विच है। कई बार जे हो सके तो अमृत वेले पंज वार आप आख्या करो धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी। हूं भी आख दो जे आख सकते हो धन। ये पंज वार अमृत वेले उठ के औखा तो कोई नहीं है, उठना तो है ही ना सही। पंज वार एक वार ही बहुत ताकि अपना जड़ा सेंटर है सुरत दा शब्द गुरु सुरत मनदा नहीं तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध। सुरत दा जेड़ा केंद्र है सेंटर है वो गुरु शब्द है। गोरखनाथ नूं भी इहो ही कहा सी शब्द गुरु तेरा कवन गुरु उन पुछ लिया तेरा कवन गुरु जिसका तू चेला। ये दो चल दिन शिष्य है चेला है डिसाइपल है एक गुरु है। बाबा नानक सतगुरु तेरा गुरु केड़ा है। ता अकाल पुरख ने मूल मंत्र बख्शा और क्या तू गुरु परमेश्वर है। ए मूल मंत्र ए ज्ञान तू सारे विश्व नू सारे संसार नू जाके देना। कल क्या सी के 3 करोड़ मनुखा नू साहब मिले मक्के तो लैके इधर बगदाद और चाइना च भी गए रशिया च भी गए। पर अजकल उन्हां नूं लोड पै गई करतारपुर विच। की लोड पै गई? एक तां आ गया जिसकी बहुत ही लोड सी, एक आ गया। आए तां बहुत पर उन्हां चों एक आ गया प्रवान हो गया। तू तो बाबा बुढ़ा है भाई बुढ़ा है ऐसे तेरे महावाक हैं प्रवान कर लिया। हुन लोड पैगी के अकाल पुरख का जो
गुरु परमेश्वर का दर्शन है उन्हूं इत्थे ही बंद कर दईए जां ये जोत जागदी जोत जगदी रहे। इसलिए फिर उन्हां किवें कारण बन गए मत्ते दी सरां टह गई धार ने आके मिसमार कर दिती डिस्ट्रॉय कर दिती खंडूर वासा हो गया सारा खंडूर ज्वाला नू मनदा है देवी दी प्रस्तश पूजा करदा पर एक सिख ने अमृत वेले आवाज दिती एक ओंकार दी सुनी गई परिवर्तन की आ गया पूछा ये आवाज किस दी है तेरी है ये जे तू जेड़े बोल अमृत वेले बोले सन वाक बचन तेरे हन उन सच दसता नहीं एक करतारपुर दी आवाज है करतारपुर विच करतार आप आया होया है जामे च आया होया ए आवाज इन ए वाक उन्हां दे हन पलटा आ गया कंडा फुल हो गया है तां कंडा पर फुल हो गया मैनू दर्शन हो सकदे हन हो सकदे हन अगे नित देवी दी पूजा लई जांदे सन जो उत्थे ज्वाला जी जिसनू आख आप आगू सन उस संग दे वो देवी दी संगत सी पर मना लिया सबनू के इस बार राह बदल दिए क्योंकि जदों मन बदल जांदा सब कुछ बदल जांदा जम तो राम हो जांदे दुख सुखां विच बदल जांदे ए साधु संतां दे वाक बैरी मित्र हो जांदे साकत जेड़े हन वह भी महापुरुष साधु बन जांदे कदों जदों चेंज आ जाए माइंड विच हुण आ गए हन करतारपुर बस इन्ना ही बड़ा है आपने सुनिया कि जाओ मेरी राम राम है थानू मेरा घर मेरा प्रयोजन मनोरथ आशा मेरा मकसद पूरा हो गया। अंतरजामी ने क्या संकल्प जागया अंदर पुरखा साहब लैणा जी नू गुरुदेव जद आवाज दिंदे सन पुरखा आखदे सन पुरखा तेरा इउं लगदा संकल्प है फिर जाया गया तुसां सुनिया सवा मन
लून लेके किसे ने क्या किसे प्यारे ने कि तुसी बहुत बड़े आदमी हो अमीर हो चंगा नहीं लगता होर किसे नू पार चुका दियो मन्ने नहीं के सवा मन पार तो मैं चुकना है क्योंकि मैं कुछ लेना देन वाले ने देना शायद वो गल हो चुकी पिछे तेरा नाम लेना है ना हां महाराज अच्छा हो गया फिर सारे संसार च मैनू लेना नहीं मिलिया लैण वाला अधिकारी नहीं मिलिया गल ठीक हो गई सौदा हो गया मैं देना है तू लेना है ना बेटिया ने लेना है ना कोई किसे साधु ने होर लेना है बड़े पीर मिले दस्तगीर वर्गे बड़े बड़े महात्मा मिले साधु पर मेरे करतार दा हुक्म है तू लेना है मैं देना है आओ सार संगत थोड़ी जी औख होगी आपनू ओ की वो औख हुई है कि अटेंशन शायद इत्थे ए परंपरा जां ट्रेडिशन नहीं है इस तरह की कथा चलती रवे हो सकता है मैनू नहीं पता पॉसिबल संभव है ये थोड़े अगे एक प्रॉब्लम ना बन जाए ये की हो गया बड़ा आनंद आया बेटियां ने वाहिगुरू वाहिगुरू जो 36 युगां च तैयार होया वाहिगुरू मंत्र 36 युगां विच तैयार 9 युग लग गए वावा अखर तैयार चलो छड़ दईए ये विचार फिर दूजे पासे चली जाओ कितना आनंद माणिया वाहिगुरू 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 आपनू आप जपया बेटिया ने आपनू जपाया पर हुण इसनू कथा आख दे इहदे च कोई जाप नहीं है इहदे च कोई धुनी नहीं है इहदे च किसे तार वाले साज ने नहीं बजना ना हारमोनियम है ना अपनी अगे वांग साधना है माफी देना हो सके जी ना मन्ने उठ जाना नहीं थोड़ा जा महाराज कहने पर्व की उस्तत करो जब तुसी इकट्ठे हो जाओ गुरु दी हजूरी गुरु दी महिमा कहो गुरु दी कथा कहो गुरु दी वड्याई करो वाहिगुरु दी करो गुरु वाहिगुरु इको ही हन वाहिगुरु एकागर चीत उन्हां क्या जदों भी कथा चाहो कीर्तन चाहो दो याद रखो फिजिकली बैठो सावधान सुचेत होके एक्टिव हो जड़ा साडा अंदर चित है चित ए जुड़ जाए कल आपां विचारिया सी दो हन एक टुटना है एक जुड़ना है ए कुछ साधन हन कदी कीर्तन रूप च कदी कथा दे रूप च
कदे महापुरुष गुरमंत्र जपाउंदे वाहिगुरू वाहिगुरू के चित जेड़ा है साहब ने कहा सी चल तू बहुता चिर नहीं एक चित हो सकदा एक चित जै एक छिन ध्यायो छिन सेकंड तो भी थोड़े जे टाइम दा नाम छिन है। न्या वाले कहंदे ने इक सूई नू पत्ते चो पिपल दे लंघा दियो इन्ना टाइम छिन है। अगर चित एक इन्ना छिन भी एक हो सकता है वन पॉइंटेड सिंगल माइंडेड हो सकता है। गई फिर गल बन गई सीक्रेट ओपन हो गया काल गया मौत गई। एक छिन दे एक चित हो जान नाल काल फास के बीच ना आयो काल फास मिट गई। आगे आप बख्श दे हूं एकाग्र चीत वाली गल हो सके जे अभ्यास करना थोड़ा जा औखा होगा चित क्यों चित लाउन ली कथा ही है ना हूं कथा भी गुरु दी है मेरी थोड़ा कथा गुरु दी कथा गुरु दी गल सुननी चाहे किसे फॉर्म च तुसी सुनो मेन गल मुख गल जेड़ी है सेंट्रल पॉइंट या मेन आइडिया जेड़ा है वो तो गुरु दे नेड़े होना बाई थॉट शरीर बैठ गया एवें मन भी गुरु वल आ जाए तो हुण पढ़नगे क्योंकि सिस्टम ही ऐसा है कथा इस कथा दा दी जुगत जा तरीका जा मैथड इस तरह ही चल रहा है कि पढ़नगे मैं थोड़ा थोड़ा कमेंट्स कह लो कुछ वाक कुछ विचार कहने तुसा सुनने वाहिगुरु साहिब जीओ कितक दिवस जग रहत बिताए। हुण पिछे आपने सुनी लिया है के माता ने क्या तुसा अच्छा ता नहीं कीता इन्ना ब्यूटीफुल इन्ना खूबसूरत इन्ना चंगा मनुख आया करतारपुर विच थोड़ा बिहेवियर थोड़ा एटीट्यूड थोड़ा वतीरा चंगा नहीं केदे सिरते भी चिकड़ रख दिता भार पर दो दिन रहन दिंदे चार दिन इनू भी अभ्यास हो जांदा कह लगे नहीं माता जी नू कहंदन अपनी माता जी जगत माता सुलखणी जी नू कहंदन तू ठीक देखा नहीं है ठीक देखना भी बड़ा औखा है। आनंद साहब चाया दिव्य दृष्टि होई शायद अजे दिव्य दृष्टि नहीं हुई जा हो गई आपा की कह सकते हैं माता हम क्या तू क्यों वेख्या ऐसा ऐसा नहीं सी वेखना कि मैं कोई चिकड़ दा भरिया नदीन दा कोई भरिया भार इदे सिर ते रखिया है मैं लैणा जी दे सीस दे उते दीन और दुनिया दा शत्र रख दिता है कराऊं लैणे तरियों शत सिर
कि अज मैं जड़ा तेरे बेटियां दे सीस ते नहीं टिकना सी क्राउन जा छत्र ओ मैं इस दे सीस ते रख दिता है। तुसा एतराज कीता शंका कीती के दे रेशम दे कपड़े गारे नाल भर गए, नहीं ए गारा नहीं है ए केसर है। जेड़ा मैं ऐसे पुरख दे कपड़ियां ते दी पोशाक ते छिड़किया है। हो गया वाक, हुण अगे अगे चलना है। अंगद गुरु अंगद बन गए देखांगे वो अगली कथा होनी। लैणे तो गुरु अंगद किवें बन जाणगे, हुण कहिंदे ने बड़े आनंद विच क्यों सब नालों टुट गए। सब हूं ते तोरै संत नाम देव ने क्या, ए मेरी छपरी वाहिगुरु बना गया, जे तू भी ऐसी बनाउनी है तू टुट फिर। पहला टुटना सिख ला, लोग कुटम टुट सकते हैं, आपां टुट सकते हैं। मैं तो अपनी गल करना थोड़ी नहीं। बड़े करनी वाले गुरमुख प्यारे बैठे, खुशी है, एवं ही बैठा करो। दुविधा दूर करके गुरमता करो की है। हुण आनंद विच रह रहे क्योंकि टुट गए सब नालों, एक नाल जुड़ गए। सार संगत लक्ष्य जड़ा हुंदा है ना, परम लक्ष्य, टारगेट कह लो, डेस्टिनेशन कह लो, एम कह लो, ये तो भाषा दे शब्द हैं। शब्दों च इन्ना बहुता कुछ नहीं हुंदा। टू अंडरस्टैंड, केवल ओनली टू अंडरस्टैंड। शब्द हुंदे न, प्रमाण हुंदे न, के कुछ समझ च आ जाए कि गल की होई, की कथा होई, इनू कथा कहंदे। वैसे तां विचार है ये, पर आपां टर्म दे दित्ती कथा। पढ़ो जी, आ वेखो हुण तुसी कृपा करना। हां जी, सेवा करही पीत बधाए। हुण बाबा साहिब कोई नाम दईए ठीक ही है, साहिब लैणा जी, भाई लैणा जी, महापुरख लैणा जी। सेवा च लग गए, सेवा दो ही हन, सेवा सिमरन तीसरा नहीं। सिमरन च भी लगे ही होणगे, पर इत्थे जिक्र आया कि सेवा विच लग गए। कई इत्थे झाड़ू दिंदे न, कोई भांडे मांजदा है, कोई कोई सेवा करदा, ये भी सेवा च लग गए। पर ज्यों ज्यों सेवा करदे न, ओ सेवा अंदर भी बाहर भी चल रही है, अंदर भी जा रही है। जे बाहर झाड़ू दिंदे ने, कंदर झाड़ू चल पैंदा। बाहर भांडे मांजदे तो अंदर भी भांडा है एक जड़ा मांजना है। किवें मांजना है आपां उस विचार च कहनूं जाना है। ज्यों ज्यों सेवा करदे ने प्रेम वधदा जांदा है। एनालिसिस जां एनालाइज करना कि मैं रोज मत्था टेकदा
ਉਵੇਂ ਟੇਕਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੁਛ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਵੇਵ ਲਹਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਗ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੁੱਟ ਗਏ ਇੱਕ ਥਾਂ ਜੁੜ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਚ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਜੁੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਵਾਲਾ ਪਰਸਨ ਗਇਓ ਜੋ ਸੰਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਸੁਣੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਆਪਣੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਪੂਜੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਵੱਲ, ਦੇਵਤੇ ਵੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੁੱਝ ਲਈ ਹੈ, ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇ ਬੁਝਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਕਰਤਾਰ ਦੇ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੇ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਜੋ ਆਪ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬੁਲਾਤੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਖੰਡੂਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਗ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਵਾਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਣਜਾਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਲੈਣਾ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਬਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਆਓ ਸੁਣੀਏ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਖੇਪ ਕਰੀਏ। ਨਦੀ ਕਦੀ ਤੇਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਥਾ ਨਦੀ ਵਾਂਗ ਚੱਲਦੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮੂਰਤ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੈ ਆਏ ਲੈਣਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਦੇਵੀ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਬੰਦ ਕੈ ਗਿਰਾ ਬਖਾਦੀ, ਸੁਣੀਏ ਬਿੰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਖਾਨੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ, ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ, ਮੇਰੀ ਅਰਜ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਰਾਮ ਖਦੂਰ ਮਨੁਜ ਬਵਾਏ। ਕਿਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਆਇਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਇਕੱਲੇ ਹੀ, ਉਹ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਖੰਡੂਰ ਦੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੱਕਿਆ ਵੇਖਿਆ, ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਨਦਰ
जपजी साहब कितनी वार नजर 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 नजरी नजर निहाल आए नजरी पाई है। जाओ पाई लेना इन्ने बरे तूना दे नाल देवी दी पूजा की बुला लो फिर कहन आग्या मिल गई साहब दी नर ते नारी मातावां भी भाई भी माई भी सब खंडूर साहब दे लोग पर अजे खंडूर है साहब नहीं होया साहब होगा अगे जाके केवल खंडूर है आग्या मिल गई ओ देवी वालियां नू गुरु साहब जी दे दर्शन कराउन लई अगे हो गए आप करी कामना जे नर जोई। दो तरह दे लोक आए जिमे कल आया कामना रखदे ही नहीं कोई राज ना चाहो मुक्त ना चाहो ऐसे विरले ए कामना वाले लोग आपां भी कामना नाल ही बहुता गुरु जी पास आउंदे बुढ़िया कामना लेके सेवा थोरी मांगन बहुता हो जांदा है। हाँ जी है पूर्ण पाखी सोई कहन कह दिता कि भाई तुसी जो मनोरथ लेके आए हो प्यासा आदमी पानी पीण दा मनोरथ रखदा है उनू पानी मिल जांदा जैसी भूख पूरी होगी थोड़ी कामना वरदान दे दिता वचन दे दिता गुरु महाराज कहंदे ने कुछ भेटा रखी अगे ओ उना नूं भी रंग चढ़ गया दर्शन करन सार ही आनंद क्यों ऐसी जागदी जोत दे दर्शन आप करतार बैठा तख्त ते सिंघासन ते बड़ी खुशी हो गई उन्होंने खड़े हन अर्जा कर देन जन्म होयो इस बारी ए भी मन गए के इन्ने बड़े देवी दे दर्शन कर दे रहे किन्नी दूरों चलन किथे खंडूर है किथे कांगड़े जाके ज्वाला जी है देवी दा मंदिर है जिथे लाटा जगदिया हन कुदरती लाट जगदी है लाट शब्दी ठीक है नहीं आनंद आया महाराज अज जन्म साडा सफला हो जांदा है सफला। हाँ जी बस इन्ना ही सी एक रात ठहरे निशा रात नू कहंदे एक रात ठहरे करतारपुर विच हैं जी चल पिया तड़के ही अपने पिंड वल खंडूर वल सारा खंडूर साहब खंडूर चला गया किन्ने क लोग होंगे कह नहीं सकते सारा ग्राम सारी नगरी चली गई लेने क्या मैं नहीं जाना मैं हूं खंडूर नहीं जाना मेरा जाना मुक गया मेरे जान दी गली मुक गई कि मैं अपने पिंड नूं वेखना ही नहीं है मैं जिथे आना सी आ गया हां जिस दे दर्शन होने सन हो
हुण जिक्र चल रहा है, कथा चल रही है ना, की पढ़िया महाराज? सेवा करे जो होए आवासा। कहंदे ने सेवा ही सेवा च लग गए, गुरु दे घर विच आवास घर नूं कहंदे ने। हां जी, हुण सेवा दे कुछ रूप वेखो। असल सेवा तां अगे जाके दसणगे, ओ कथा अगे आउणी है, कानू उस नूं इत्थे कहना, क्योंकि अगे आउणी है कि सेवा दियां भी स्टेजेज हन, पौड़ी है चढ़ना है, एतराए पद पौड़ियां चढ़ी है, पौड़ी चढ़ना, आपां पौड़ी चढ़े तां इत्थे आ गए, पौड़ी साधन बन गई आ गुरु जी दी हजूरी च लियांदा। हां जी, हुण की करदे ने सेवा? जूठे भांडे मांजदे, जूठे भांडे संगतां दे, क्या ए सेवा बख्शदे? थोड़े सिखां दे मैं जूठे भांडे मांजदा रहा, जूठे भांडे मांजन लग पे, है ता कथा पर आपने सेवा नू समझना है। भाव तत्सार की है कथा विच? सेवा आपां भी सेवा ही करते होवांगे, पर भाई लहणा जी ने किवें सेवा करी? ओ वर्णन कर रहे फिर हमारा कदे कदे मन चाह जांदा, विधि बना ली, ये बहुता चिर ठहर सका हजूर दे पास, कुछ समा मैनू दर्शनी हुंदे रहन इस जाग दी जोत दे, करता पुरख दे अकाल पुरख दे, इसलिए पखा ले लेंदे न चल दे न, गर्मी दे दिन होंगे। हां जी, जदों फिर वेले हो जांदे न, फिर बढ़नी बुहारी नूं कहंदे न, झाड़ू नूं कहंदे न, फिर ए लग जांदे न, कदी भांडे मांजदे न जूठे, कदी पखा चलदे, कदी झाड़ू दे जांदे। कौन? भाई लहणा साहिब जी, हो सके तुसी चेते रखण दा यतन करना, जिन्हों अजकल मूड आखदे न कथा वाला बन जाए, तद जारी रखांगे, नहीं आग्या करोंगे बंद कर देंगे। अपां किहड़ा प्रोफेशनल लोक, थोड़े दर्शन दी जुगत बनाई है। हां जी, हां जी, हुण देखो सार संगत, आप कई लोग झाड़ू दिंदे न पर प्रीत नहीं जागदी, जां अंदर झाड़ू नहीं चलदा बाहर चलदा, बाहर भांडे मांजदा पर अंदरला भांडा मांजे ही नहीं जांदा, असल तां उसनूं मांजना है, उसनूं धोना है, भरिया हथ वाली पौड़ी इहो गल दसदी, धोना है भांडा धोए, गल तां इत्थे मुक जांदी, जे मुकाउणा चाहे पर मुकाउंदा नहीं, भांडा धोना है। हां जी, हुण कहंदे न चरज गल सुनो फिर पढ़ना महाराज, हुण वेखो बाहर हरिक वेखदा कि इह जिहड़े नवां, इह जिहड़ा नवां पुरख आया है, इह किवें झाड़ू दे जांदा, कदी भांडे मांजी जांदा है, कदी कदी पखा चलदा,
पर एक गल किसे नूं बार नहीं दिखदी, बड़ी औखी है कि इन्हां ने अपना अंदरला जिहड़ा कुछ है उन्हूं जी आख लो, माइंड आख लो, मन आख लो, चित्त आख लो, ਉਹ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੂਣ ਲਿਆਏ ਸੀ ਭੇਟਾ ਲਈ ਸਵਾ ਮਣ, ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਲੂਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭੇਟਾ ਤਾਂ ਸਭੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਢਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਿੱਗਣਾ ਹੈ, ਸਰੈਂਡਰ ਹੋਣਾ। मांग त्वांग पर पडंग एक शब्द आया अज तो कई हजार बरे पर, शिष्यस्ते अहं, आई एम नाउ यूर डिसाइपल, के जिसने शिष्य बनना, ए हुण सिख कह लो, आपां सिख ही ठीक है, ए दोने मिलदे ने, दो तारा मिलदियां, सिख ते गुरु। लैणा जी अजे सिखन, सिख नूं की देना पैंदा, अपना आप जो है उन्हूं जी कहा है इत्थे, कि ओ गुरु जी नूं भेटा कर दिता है। एक दिवस केदी कुलराई, हुण कथा है ना, कोई कोई गल आ जाती है अगे कथा च कुछ आ जाता। कहंदे ने एक दिन महाराज बेदियां दे बेदी कुल च जन्म होण करके भाई साहब जी महाराज बेदी कुल दे साहब, क्योंकि कुल च जन्मे सन, वैसे ओ इन्हां तूते सन। कहिंदे ने एक दिन दी तुसी गल सुनोगे, एक दिन दी एक उप कथा, छोटी जी कथा सुनोगे, ध्यान नाल एकाग्रता नाल, कि एक दिन ऐसी घटना हो गई। की पढ़िया सी के महाराज पलंग दे उत्ते जां सहजा दे उत्ते लेटे हुए सन, हुण ए कथा है, कथा विच तरीका ही ए है कि किसे ढंग नाल कोई गल कहनी है कथा विच, उहदे कहण दा वे माफ करना, उहदे कहण दी विधि है कि माया आ गई। ਆਪਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮਾਇਆ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਮਾਇਆ ਆ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਮਲ ਬਲੋਚਨ ਰੂਪ ਵੀ ਦੇਖਾ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਚਲਕ ਤਿਰੰਗਾ, ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਸਨ, ਰੂਪ ਵੀ ਸੀ, ਬੜੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਮਾਇਆ ਨੇ ਪਾਏ ਸਨ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਗਹਿਣੇ ਹਨ, ਨਾ ਕੋਈ। ਆ ਗਈ, ਆ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮਾਇਆ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਇਆ ਆਖਦੇ, ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਭੌਕ ਨੇਰੇ, ਕੁਛ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰਤ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਦੇਖਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਘੜੀ ਦੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਇਹ ਕੌਣ ਇਸਤਰੀ ਆ ਗਈ ਐਸੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਅਚਨਚੇਤ ਆ ਗਈ, ਆਲ ਆਫ ਏ ਸਡਨ ਆ ਗਈ, ਕੱਪੜੇ ਕੈਸੇ ਪਾਏ, ਗਹਿਣੇ ਕੈਸੇ ਪਾਏ,
पर ये किधरों आके इनू चाओ जाग पिया, वैराग जाग पिया, मैं भी गुरु दे चरणा ते मत्था टेका। हां जी, कौन करन आयो रस पीने, कौन आया इन्ने रस दे विच, एक स्वरूप को मन बिस्मायो, लैणा जी दा मन भी कुछ चर्ज हो गया, कौन आया, इक्स गई कर सेवा जब ही, माया दा कम ही है, आई चली गई मोटे अखरां विच, आ गई चली गई, आई माया चली गई। लैणा जी नूं दिख गया कि यह कौन आई ते किवें इतनी छेती चली गई, मत्था टेक के नमस्कार करके महाराज नूं हाथ जोड़ के बुझियो, तब ही हाथ जुड़ गए, पुछया बुझया। हां जी, ओ अंगना एह दिव्य स्वरूपा, क्योंकि इस्त्री दा जामा सी, अंगना इस्त्री नूं कहंदे ने, के सहब महाराज जिसने आप नू मत्था टेकया, आप दे चरण फड़ ले, थोड़ा चिर ठहरी फिर लोप हो गई, ए कौन सी स्त्री आई और गई, छिना पला च आई और छिना पला ची परत गई वापस। हां जी, अलंकार बर बेख रूपा, किवें गहने पाए सन, वेख पेश लिवास पोशाक, कैसी उपमा तो रहत सी, पद पंकज सेवै तर पाऊ, मेहता महाराज ऐसी माता कदी वेखी नहीं, इतने गहने ते कपड़े पाके किवें मत्था टेकया, इसने किवें मैं इहदा भाव देखा, हजूर दे चरणा ते जदों ने नमस्कार करी। बंदन कर गबने दिशकाऊ, किधर नू चली गई कोई पता ही नहीं लग्या, पूर्व नू गई पश्चिम नू गई, किधर नू चली गई, मैं एक तिथी और मैं देखी, और मैनू मैं ही वेख्या, बाकी भी तां उत्थे संगतां बहुत होंगी करतार, और मैं अचरज पयो विषय की, किसे नू दिखी नहीं, इसलिए मैनू हैरानी हो गई, अचंबा हो गया, मैं बड़ा अचरज रह गया, ए माई कौन आई, छिना पलां च विदा हो गई। कै श्री बेदी कुल के तू, लैणा जी तो सुन के महाराज बोले, भेद बतावन है तू, कुछ भेद खोलिया, तुझ कर श्री करतार कृपाला, ओ पुरखा, कि महाराज पुरखा जा लैणा कदी कदी कहंदे सन, नहीं पुरखा ही कहंदे सन, तेरे उत्ते नजर है, तबे बिलोकियो रूप दिसाला, सतगुरु जी दा ए कहना कि तेरे उत्ते नजर है, करता पुरख दी कृपा है, मेहर है, ता तैनू ए दिख गई, नहीं माया ता दिखदी नहीं, आपां नू दिखदी है कदे किसे रोड ते जांदी जां किते किसे प्लेटफार्म ते जां किते होर, क्या माया फिरदी है, क्या तेरे ते नजर है। हां जी, और किसी को नजर ना आवे, बंद कर दिए साध संग, दो लाइना सुन लो, फिर आपा सूई नू इनू भी नाल नाल चलाना है, क्यों एदी उलंघना भी अच्छी नहीं है अपने सारयां लई। हां जी, ताको पार न पायो जावे, महाराज कहंदे जे तू आखे दे कंडे लभ जान, उला पासा पहला कंडा, ए संभव नहीं है, अति कठिन है कि इनू दस्या जाए माया की है, माया दा रूप दसदे हन शास्त्र, वेदांत भी दसदा होर दसदे, पर महाराज ने तो माई माया छल ही कहा है कि एक एवें छल जी है, माया रूप जगत नर जो, हुण महाराज कहंदे
तैनूं समझाइए कि वो माया है जिसने सारे संसार नूं सारे जगत नूं हाँ सब परमाए बचियो ना को सब तोड़े ही बैठी है तोड़ दिंदी है जिथे जुड़ना उथे जुड़ नहीं दिंदी जिथे नहीं जुड़ना उथे जोड़ दिंदी है साध संगत आग्या बख्श दो फिर इथे ही बंद हो जाइए क्योंकि कथा तो अगे बहुत है फिर कृपा रखना बोल दिया कोई ना कोई तो भुल हो ही जाती है साध संगत है माफी बख्श दे इथे बंद करन दी आग्या दे दो फतेह बुला लो वाहिगुरु जी का वाहिगुरु।